तो लिस्ट पे स्लाइसिंग इस तरह है, उसी तरह स्ट्रिंग के ऊपर जो है वो हम स्लाइसिंग कर रहे थे। लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि लिस्ट के मेंबर्स को अगर हम डिलीट कर दें या रिमूव कर दें तो वो परमानेंटली मेंबर जो है वो लिस्ट से रिमूव हो जाता है, उसको हम दोबारा रिकवर नहीं कर सकते, रिस्टोर नहीं होगा। तो यहां पर जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है पॉपिंग एलिमेंट्स। पॉपिंग या पॉप करना स्टैकिंग में यूज होता है। स्टैकिंग सबने पढ़ी हुई है, डेटा स्ट्रक्चर स्टैक होता है। स्टैक के बारे में पता है? किसी को स्टैक के बारे में नहीं पता तो बताएं। स्टैक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसके अंदर डेटा इस तरह से फीड होता है कि अगर हम उस डेटा को वापस रिट्रीव करना चाहें तो जो सबसे आखिर में फीड हुआ है वो सबसे पहले बाहर आएगा, ठीक है। इसकी आमतौर पे मिसाल क्या होती है? प्लेटें। बस घर में अगर बर्तन धोते हो तो प्लेट के ऊपर प्लेट रखते जाते हैं। अब अगर आपको प्लेट निकालनी है तो आप दरमियान से नहीं निकालते, तुम्हें पता है निकालेंगे तो सारा का सारा क्या हो जाता है, फिर बहुत सुनना पड़ेगी आपको। तो आप सबसे लास्ट रखी गई प्लेट को हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्सेस करते हैं। तो स्टैक जो है वो इस तरह से होता है, इसको हम क्या कहते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट में जो है वो हम क्या करते हैं, पॉप करते हैं। जब भी हम पॉप करेंगे, बुक खोले, अब ये हमारे पास एक लिस्ट बनी हुई है टास्क की, ईमेल फ्रॉम कार्ल सारा मीट विद जैक। इसकी हमें इंडेक्सिंग नजर आ रही है, 0 इंडेक्स पर ये वैल्यू है, 1 पे ये है, 2 पर ये है। अब हम क्या काम कर रहे हैं, लेटेस्ट टास्क अकम्प्लिश इज इक्वल टू या असाइन टास्क डॉट पॉप वन। यहां पर जो हम पॉप कर रहे हैं, अगर मैं पॉप में कोई इंडेक्स नहीं पास करूं, पॉप एम्प्टी रहे, तो सबसे जो टॉप की वैल्यू होगी वो पॉप हो जाएगी, लिस्ट लिस्ट से क्या हो जाएगी, वो निकल जाएगी। अच्छा, लिस्ट से निकल तो रही थी रिमूव से भी और डिलीट से भी, लेकिन वो वैल्यू जो निकल रही थी वो वैल्यू हम कहीं कैच नहीं कर पा रहे थे, वो वैल्यू कहीं हम कैच नहीं कर पा। डॉट रिमूव का मेथड भी हमने किया था, डॉट रिमूव के मेथड को भी अप्लाई करके देखा था, लेकिन वो भी हमें वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा था, वो वैल्यू जो हम रिमूव कर रहे हैं। तो वो वैल्यू अगर आपने रिट्रीव करनी है, होल्ड करनी है, तो वो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, पॉप के थ्रू करेंगे। और पॉप हमें जो है वो वैल्यू जो हम पॉप कर रहे हैं वो वैल्यू असाइन करने दे रहा है किसी भी वेरिएबल में, यानी हम जो पॉप कर रहे हैं लिस्ट में से 10 वैल्यू थी, एक पॉप की 9 की लिस्ट रह गई, तो जो गायब हुई है वो वैल्यू भी हमें कहां कहीं हम कैच कर रहे हैं। तो लेटेस्ट टास्क अकम्प्लिश में जो पॉप 1 पे वैल्यू होगी वो चली जाएगी, असाइन हो जाएगी। देखें कोड में इसको, ठीक है, क्या हो गया यहां पर कि पॉप 1 पे कौन है, 0 1 इंडेक्स पे कौन सारा, ये पॉप हुआ और किसमें चला गया, लेटेस्ट टास्क अकम्प्लिश में। और जब इसको हमने चेक किया कि बाकी इसमें क्या वैल्यू आई है तो वो वैल्यू क्या है, कौन सारा। अब अगर मैं टास्क को प्रिंट कराऊंगा तो मेरे पास क्या आ रहा होगा, ठीक है, इसके अंदर तो वैल्यू क्या हो चुकी है, पॉप हो चुकी है, ठीक है। तो पर ध्यान में रखिएगा, ड्यूरिंग एग्जाम या टेस्टिंग जो है फिर क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेंगे इस तरह से कि कहीं रिमूव के थ्रू किया जा रहा है, और अगर एरर जनरेट करवा दिया आपको कि वहां पर वैल्यू आप असाइन भी करा रहे हैं रिमूव से या डिलीट से, तो रिमूव डिलीट में वैल्यू जो है वो रिमूव वैल्यू असाइन नहीं हो सकती, वो होगी सिर्फ पॉप के थ्रू।
ठीक है, मुख्तलिफ इंडेक्सेस से वैल्यूज जो है वो उठा रहे हैं। चले आप ये एक डिफरेंट अंदाज है, यहां पर क्या हो रहा है, इंसर्ट के थ्रू हम जो पॉप वैल्यू है उसे किसी दूसरी लिस्ट में क्या कर रहे हैं, इंसर्ट करा रहे हैं। ठीक है, तो पॉप वन से वैल्यू निकलेगी और इंसर्ट में याद है इंसर्ट में हम दो पैरामीटर देते हैं, एक इंडेक्स और दूसरी वैल्यू। तो ये आपके पास इंडेक्स वन पे वैल्यू डालेगा और ये वैल्यू कहां से उठाएगा, टास्क की लिस्ट में से पॉप कराएगा। जब फ्रेंड में ये रहा है हर जगह पॉप नहीं कराना है, क्योंकि पॉप में से आपकी ओरिजिनल लिस्ट में से वैल्यू क्या हो रही है, निकल रही है, तो वो लिस्ट जो है वो मॉडिफाई हो रही है। इस पे आ जाए, लिंक पे आ जाए। अच्छा भाई, ये कुछ एक्सरसाइज है इसकी, दो तीन हम करते हैं फिर आप लोग इसको करिएगा। ठीक है, टू स्ट्राइक एन एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट, थोड़ा सा इसको जूम कर दे, ठीक है, टू स्ट्राइक एन एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट एंड असाइन इट टू अ वेरिएबल, व्हाट कीवर्ड डू यू यूज। अगर इसके अंदर से एक मिनट, अगर इसके अंदर से ये हटा दिया जाए, टू स्ट्राइक एन एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट व्हाट कीवर्ड डू यू यूज। अभी मैंने बताया ना, हाँ तो मैं एक बात कह रहा हूं कि आप वो चीज जो डिफरेंस जहन में आपके बैठ जाए कि सिर्फ इसकी वजह से हम क्या कह रहे हैं, इस एक फीचर की वजह से हम वर्ड यूज कर रहे हैं पॉप। अगर ये फीचर ना हो तो फिर वो डिलीट और रिमूव होगा। ठीक है, पॉप करके आगे बढ़े। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक टू पॉप द थर्ड एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। तुम बताओ भाई लास्ट में, आसान सा सवाल है। जी हाँ, लिस्ट में से तीसरा एलिमेंट पॉप करना है तो यहां पर क्या वैल्यू पास करूंगा। लिस्ट कहीं भी लिस्ट नहीं है, लिस्ट घर पे, टू पॉप टू लिखेंगे जी, क्योंकि इंडेक्स जीरो से शुरू होता है, थर्ड एलिमेंट के लिए क्या होगा, टू हम वहां पर पास करेंगे। शाबाश, कहता है कंप्लीट द कोड टू पॉप द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। फर्स्ट एलिमेंट डॉट पॉप लिखो जीरो, ठीक है, नेक्स्ट पॉप द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द लिस्ट वाई एंड असाइन इट टू अ वेरिएबल एक्स। ये कौन करेगा, आओ आसान सा मैं बताऊंगा ना, करो टाइप तो करो, आ जाओ आ जाओ। हमने क्या करना है भाई, एक लिस्ट वाई में से कौन सा एलिमेंट लेना है, सेकंड, सेकंड एलिमेंट, और उसे डालना किसमें है, एक वेरिएबल एक्स में, तो वेरिएबल एक्स तो इधर आ जाएगा, देखो एक्स इज इक्वल टू स्पेस दे दो, स्पेस। ठीक है, अब हमने क्या कराना है, पॉप कराना है वाई में से, क्या लिखेंगे, वाई डॉट, वाई डॉट पॉप, वाई डॉट पीओपी, और कौन सा एलिमेंट है, सेकंड, सेकंड के लिए क्या लिखेंगे, वन, शिफ्ट दबाइए, शिफ्ट दबाओ, शिफ्ट किया, ई बढ़िया, वन, ब्रैकेट बंद करो। ठीक है, पॉप एन एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट एंड असाइन इट टू अ वेरिएबल, मेक एवरीथिंग अप,
scope an element of a list and assign it to a variable. Similar hai ye bhi. लिस्ट इस तरह ही होती है ना, लिस्ट ये होती है. सही है, लिस्ट में ऐसे स्टेटमेंट लिखा है, लिस्ट नहीं बना लिस्ट में बनाना. तो अब पिछले उसमें भी तो यही कर रहा है. हां वही करना है. चलिए x y ले लेते हैं. कह रहे भी फर्स्ट एलिमेंट वाई का निकालना है और लिस्ट एक्स के अंदर अपेंड करना है, उसे एक से निकालना है दूसरी में अपेंड करना है. एक्स डॉट अपेंड कर लेंगे सब. एक्स बताए जरा कोई. एक्स एक्स डॉट अपेंड ब्रैकेट में पास कर दें. वाई डॉट ऑफ जीरो फर्स्ट एलिमेंट. ठीक है ठीक है. अब इसकी बाकी एक्सरसाइज आप लोग इस तरह की है वो करिएगा. हम डायरेक्ट जा सकते हैं आगे किसी एक्सरसाइज में. भारत इंडेक्स ऑफ कौन सी नहीं जा रहे इंडेक्स ऑफ एक्सरसाइज में. आगे जा सकते हैं डायरेक्ट. URL पे से नहीं नहीं वो हाँ वो बस too easy skip and get credit. तू आगे जाते हैं. ठीक है आगे जाते हो. too easy skip and get credit पे क्लिक करते हो. कौन सा देखना है आप 12 देखो. अच्छा अभी आगे यहाँ पर देखें. Pop the fourth element of a list and insert it at the third element of list x. ये सब लोग लिखे हैं हमने पास. X dot x dot insert insert में third three पास होगा ना. और फिर bracket आएगा. Y dot pop third आएगा. नहीं third नहीं आएगा. Fourth element का ना third आएगा ना 0 1 2 3. अच्छा उसके लिए खेल लिया. देख लिया. अब चेक नहीं करो मतलब बाकी खुद ही वेरीफाई कर लेंगे. चलो भी लिखो. अरे भाई कर लेना उसको भी टेस्ट कर लेना उसका. अच्छा सही. इंसर्ट नहीं की वर्ड था. थर्ड ईयर टू है यार. अपलोड इंसर्ट टू. इंसर्ट में दो पैरामीटर आएंगे, एक इंडेक्स और एक वैल्यू. इंडेक्स तो सही डाल दिया आपने. अब वैल्यू क्या है? ठीक है चले आगे चले. ठीक है मिनिमम कोड अपना पास नहीं करेंगे. आगे जाओ. चले ये लिखे जरा स्टेटमेंट. एक्स इक्वल्स 100 प्लस द सिक्स्थ एलिमेंट पॉप ऑफ लिस्ट वाई कोडेड इन अ सिंगल स्टेटमेंट.
एक स्टेटमेंट में लिखना है पूरा कोड x is equal to 100 होगा फिर एलिमेंट ऑफ एलिमेंट डॉट पॉप एलिमेंट पॉप लिस्ट y y डॉट पॉप और कोई पैरामीटर निकाल लेंगे इसे देख फिर प्लस x प्लस पॉप लिस्ट है ना एक ही चीज़ होगा यार x equals 100 प्लस 6 अच्छा उसको प्लस करना है तो वो जो एलिमेंट है वो नंबर ही होगा ठीक है बच्चे ने लिखे हंड्रेड प्लस सिक्स्थ एलिमेंट पॉप्ड ऑफ लिस्ट वाई इज इट ठीक है अगर वो नंबर होगा तो अच्छा वाई डॉट पॉप सही नहीं है भाई कोड अच्छा भाई अपेंड और पॉप को यूज करते हुए एक ही लिस्ट में से एक एलिमेंट उठा रहा है आखिर में सबसे पहली पोजीशन पे जाना Using the keywords append and pop, move the first element of the list x से first element लेना है to the end of the list x. Append और pop इस्तेमाल होगी. लेकिन इसके end पर नहीं है. इसके end पर नहीं है. Append कर दोगे तो वो सबसे end में चले जाएगा. वो चलेगी तो pop में चलेगी. Pop index पर से pop zero कहेंगे ना first element. एक्सेल है ना हाँ एक्सेल ही है इन डॉट वॉक ब्रेकिंग न्यू जीरो हो गया क्या करें हाँ करेंगे ना x dot append dot op करना है और append करना है x में x dot append करें कहाँ पे x dot append करें इसको हटा दे pop zero एक ही लाइन में ये भी एक लाइन में x dot append ठीक है अब यहाँ पे क्या करेंगे सही है ठीक है पॉप जीरो से वैल्यू उठेगी जो लास्ट वैल्यू होगी या खाली पॉप से भी लास्ट ही उठेगी पॉप जीरो से पहली उठ जाएगी पॉप जीरो हटा दे ठीक है जी क्या कह रहे हैं पॉप द फोर्थ एलिमेंट ऑफ वाई एंड असाइन इट टू एक्स देन डिस्प्ले एक्स क्लिक द रन बटन ऑफ द कोड इफ यू हैव कोडेड करेक्टली टू विल डिस्प्ले इन द राइट हैंड पैनल यू कैन सी दैट इट्स फिजिकल फ्लो इन राइट बस ये एक्सरसाइज आप खुद ही कर लीजिएगा आप सिमिलर सी आ रही है पॉप की आपको समझ में आ गई चले भी आ गए अगला जो हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर है लिस्ट के अलावा वो है टपल लेकिन टपल पे जाने से पहले लिस्ट की कुछ एडवांस चीजें हैं जो हमें कवर करनी है
और जो एडवांस टॉपिक है लिस्ट का वो है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कवर करने के लिए पाइथन का ही जो डॉक्यूमेंटेशन है लिस्ट की उसको कवर करते हैं। ये सारे मेथड्स रिव्यू कर लेते हैं जो हमने पढ़े। लिस्ट डॉट अपेंड पढ़ा हुआ है। एक्सटेंड, एक्सटेंड क्या करता है? एक्सटेंड द लिस्ट बाय अपेंडिंग ऑल द आइटम्स फ्रॉम द आइटरेबल। किसी वेरिएबल पर, किसी लिस्ट के ऊपर जब आइटरेट करेंगे फॉर लूप से तो फिर उसको एक्सटेंड कर देंगे। जिस तरह हम सिंपली क्या करते हैं, एक लिस्ट प्लस दूसरी लिस्ट दोनों क्या हो जाती है, कौन कहते हैं, हो जाती है, एक्सटेंड भी उसी तरह काम करेगा। ठीक है, इंसर्ट आपने देखी है, इंडेक्स और वैल्यू, रिमूव, रिमूव द फर्स्ट आइटम फ्रॉम द लिस्ट, इट रेजेस अ वैल्यू एरर इफ देयर इज नो सच वैल्यू, रिमूव के बारे में दोबारा बताएं मुझे कोई, दो पढ़े थे हमने डिलीट और रिमूव, रिमूव बाय क्या था, वैल्यू था, रिमूव बाय वैल्यू था, रिमूव के अंदर आप वैल्यू देते हैं, इंडेक्स नहीं देते। ये याद रखने की बात है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन याद रखनी है। तो वो अगर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी तो एरर जनरेट करेगा। फिर पॉप हमने देख लिया, क्लियर, क्लियर जरा रन चला दे। क्लियर क्या करता है, पूरी लिस्ट को बिल्कुल जीरो कर देगा। टास्क डॉट क्लियर चला दे, है ठीक है। टास्क में जो कुछ था सारा का सारा क्या हो गया, रिमूव हो गया। इसका सिमिलर फंक्शन क्या होता है, डिलीट। डिलीट में क्या करते हैं, अच्छा ये क्लियर भी परमानेंटली क्लियर कर दिया, अब टास्क जो है ना वो इधर रिकवर नहीं हो सकता। डिलीट लिखे आप और स्क्वायर ब्रैकेट्स में कॉलन लगा दें, करें इस काम को, बल्कि ये दिया हुआ है इन्होंने, डिलीट ए स्टार्ट ऑफ लिस्ट और एंड ऑफ लिस्ट दोनों एम्प्टी है, इसलिए वो डिफॉल्ट वैल्यूज यानी स्टार्ट और एंड पूरी लिस्ट को क्या कर देगा, वहां से डिलीट लगा देगा। इसके काउंट, अच्छा जी अभी हमने असाइनमेंट किया था जिसके अंदर हमने देखा था कि कोई वैल्यू कितनी बार हमारे डेटा के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, तो हमने उसके लिए लूप के थ्रू उसको आइटरेट किया था और कंपैरिजन चला के चेक कर लिया था, अगर वो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू इक्वल है तो हमने काउंट भी इजाफा कर लिया था। वो काम आप यहाँ काउंट के थ्रू आसानी कर सकते हैं, एक कोड लिखें काउंट में और उसको चेक कर लें। ये इसी में चला दें काउंट, इसी सेल, ये आपके पास एक लिस्ट बनी हुई माय लिस्ट, इसके अंदर कुछ आइटम्स हैं, तो माय लिस्ट डॉट काउंट, काउंट के अंदर आप वैल्यू पास कर दें, पेन की वैल्यू पास कर दें, ठीक है, तो ये आपको रिटर्न कर देगा कि पेन जो है वो कितनी दफा, वन टाइम, ये आउटपुट ऊपर वाले को होता है वन टाइम। वो जो आपने असाइनमेंट किया था अगर वो काउंट के थ्रू करते बिल्ट इन फंक्शन से तो बड़ी आसानी से जो काम हो जाता है। आगे चलिए, सॉर्ट, सॉर्ट फंक्शन क्या करता है, आपकी जो करंट लिस्ट है जो भी आप इसको पास करेंगे लिस्ट उसको ये सॉर्ट कर देगा, लेकिन ये सॉर्ट जो है वो परमानेंट सॉर्ट होगा, आपकी जो भी लिस्ट होगी वो परमानेंटली सॉर्ट हो जाएगी। अब दोबारा आप उसका वही ऑर्डर वापस रिट्रीव नहीं कर सकते, करें इसको कोड नंबर्स को कर लेता हूँ, लिस्ट सीरीज पे कर लो, नंबर्स है ना जो अलग है,
कोई आर्ग्यूमेंट नहीं जाएगा जिसमें दो आर्ग्यूमेंट जाते हैं सॉर्ट की नन पेन पेंसिल एक नई लिस्ट बना लेगा नाम से उसमें कुछ मजीद काम हुए तो सही आउटपुट दिया एक नई लिस्ट बना ले नोमेरिक बना ले जल्दी से बन जाएगी नए सेल में नई लिस्ट बना ले नंबर्स 1, 2, 3, 4 number ठीक है तो ये जो numbers हमारे पास थे unsorted में अब उसने इसको क्या कर दिया sort लेकिन अब जितनी बार भी numbers को access करने की कोशिश करूंगा मेरे पास sorted ही access होगा मेरा पुराना वाला sort जो numbers के लिए जो है उसी order में access नहीं होगी अगर वही order में access चाहिए हो तो उसके लिए जो है वो sorted का एक function है sorted sorted में पास होगा फुल इन एप्लीकेशन sorted यहां पर इसको किसी लिस्ट में लग रहे हैं उसे लगे लिस्ट में सेव कराएं वेरिएबल वेरिएबल और फिर से पहले वेरिएबल सॉर्टेड लिस्ट में सॉर्टेड नंबर्स कर लें अच्छा अब क्या हुआ हमारे पास हमारे पास जो नई सॉर्टेड लिस्ट आई है वो किसके अंदर मौजूद है सॉर्टेड नंबर जो हमारी नंबर्स वाली लिस्ट होगी वो तो पहले सॉर्ट हुई थी ना इसको लगा के कमिट करके फिर दोबारा रन करते दोनों एक ही काम करते हैं ना अब हमारी नंबर वाली लिस्ट जो है वो चेंज नहीं हुई ओरिजिनल लिस्ट लेकिन आपने जो चेंज करके उसे नई सॉर्टेड नंबर्स में जो है वो असाइन करा दी तो दोनों में फर्क याद रहेगा क्या फर्क है समझ नहीं आया सॉर्ट किया सॉर्ट करते रहना फिर उसको अगली लिस्ट में वापस सॉर्ट कराएंगे ये लिस्ट में जो उसकी वैल्यू हमारी ओरिजिनल लिस्ट भी क्या होती होगी सॉर्ट करेंगे ठीक है ना अब सॉर्ट में अगर हम सॉर्ट करेंगे तो ये लिस्ट वापस कॉल करते हैं कोड करते हुए जैसे ना वो सॉर्ट लगा दिए सॉर्टेड लगा दिए और आउटपुट डिफरेंट आ रहे हैं अगर आपके ध्यान में नहीं ये बात चलो फिर वो आप हमारे रेफरेंस पे देखें अच्छा इसके अंदर सॉर्ट के अंदर एक मिनट आर्गुमेंट्स है रिवर्स रिवर्स फॉल्स हुआ तो इसका मतलब ये सॉर्टिंग अभी असेंडिंग में कर रहा है लेकिन अगर रिवर्स ट्रू कर देंगे तो सॉर्टिंग डिसेंडिंग में हो जाएगी प्लस लिस्ट के डेटा टाइप जो है वो हेटरोजीनियस है मल्टीपल डेटा टाइप्स हो सकती है तो अगर स्ट्रिंग के साथ इंटीजर्स आ जाएं तो सॉर्ट जो है वो काम नहीं करेगा चेक करें ए बी डाल ए और बी ठीक है देखें एरर की नेचर क्या है नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेस ऑफ स्ट्रिंग एंड इंटीजर दो अलग अलग इंस्टेंसेस के दरमियान सपोर्ट नहीं है सॉर्ट चलिए आप कॉपी
कॉफी जो है वो तीन तरह से कॉपी हो सकता है ना। एक तो हमने लास्ट टाइम सीखा था वेरिएबल्स के अंदर कि अगर आप एक लिस्ट को दूसरे वेरिएबल में असाइन कर दें तो उसका रेफरेंस उसे पास हो जाता है, ठीक है, और अगर रेफरेंस पास नहीं करना है, पास बाय वैल्यू करना है, तो फिर इसको दिखा देते हैं मोड में। कौन सी ये वा? सेल मोड में नीचे सेल ऐड करें, नई लिस्ट बनाने और चेक तो बंद हो जा। कुछ और ना करो, नई लिस्ट पहले नीचे बनाओ फिर जोड़ो। अच्छा बना न्यू वन मिल ठीक है। ये एक लिस्ट है, आप इसको कॉपी करना है, तो एक तरीका तो क्या है भाई कि न्यू टू लिस्ट बना लें इज इक्वल टू न्यू वन लिस्ट। इसमें क्या नुकसान है? इसमें नुकसान ये है कि दोनों एक ही को पॉइंट कर रहे हैं, अगर यहाँ डेटा चेंज होगा तो दोनों में चेंज नजर आएगा। तो एक तरीका तो ये कॉपी का हो गया। दूसरा क्या है कि आप कॉपी मेथड के थ्रू कॉपी करें, कैसे होता है इसमें कॉपी करें, ठीक है, इससे जो है वो पास बाई वैल्यू हो जाएगा। और तीसरा तरीका क्या है, इसी के नीचे लिखते हैं स्लाइसिंग वाला, क्या है न्यू टू लिस्ट या न्यू थ्री लिस्ट, ठीक है, इससे भी आपके पास रेफरेंस नहीं वैल्यूज कॉपी होंगी, ठीक है, कि सारी वैल्यूज ले लो स्टार्ट से एंड तक और किसके अंदर डाल दो न्यू थ्री लिस्ट के अंदर डाल दो। तो तीन तरह से हमारे पास जो है वो कॉपी इसके अंदर हो रहा है। यहाँ पर एग्जाम्पल में वही फंक्शन अप्लाई हुए हैं जो भी हमने करके देख लिए हैं। फ्रूट्स डॉट काउंट एप्पल क्या रिटर्न करेगा? वन क्यू टू, मैंने देख पहले किसी की बार है टू टाइम्स है, ठीक है, दूसरे टू रिटर्न कर दिए। फ्रूट्स डॉट काउंट टेंजराइन नहीं है तो जीरो। अब ये भी याद रखिएगा, सवाल पूछा जाएगा एरर है या कोई एरर नहीं है, रिमूव वाले केस के अंदर हम क्या कर रहे थे, अगर कोई ऐसी वैल्यू दे रहे हैं जो नहीं है तो क्या जनरेट हो रहा है, एरर जनरेट हो रहा है। काउंट मालूम करते वक्त जब कोई ऐसी वैल्यू दे रहे हैं जो नहीं है तो एरर नहीं जनरेट हो रहा है, तो उसका काउंट क्या आ रहा है ध्यान में रखना है। फ्रूट्स डॉट इंडेक्स बनाना, अब अगर बनाना कई दफा आ रहे हैं नहीं, अब ये यहां पर कह रहा है एक इंडेक्स पास कर रहे हैं, कह रहे हैं फाइंड नेक्स्ट बनाना स्टार्टिंग फ्रॉम पोजीशन 4, या अगर शुरू में बनाना आया हुआ है या बनाना की जो सर्च शुरू करना वो चार के बाद से शुरू करना, ठीक है, बनाना की जो सर्च शुरू करना वो इंडेक्स 4 के बाद से शुरू करना, 4 से शुरू करना, 4 के बाद से शुरू करना स्टार्टिंग एट अ पोजीशन 4, ठीक है, इसका 4 के बाद अगर वो आप कुछ भी चीजें जो है वो एक्सप्लोर करने की बात डालेंगे और मजीद इसमें क्या हो सकता है, आप इसका
सिग्नेचर अगर चेक करेंगे जाके तो वहां पर सारी डिटेल आ रही हो क्या क्या पास कर सकते हैं। ठीक है, फ्रूट्स डॉट रिवर्स, ये रिवर्स क्या करता है? नहीं, यहां रिवर्स करते वक्त वो कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करेगा, जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में रिवर्स हो जाएगा, इसमें पहले सॉर्टिंग नहीं है। लेकिन एक रिवर्स हमने वहां पैरामीटर में दिया था सॉर्ट के, उसके अंदर पहले वो सॉर्ट करेगा और फिर रिवर्स करेगा, दोनों का डिफरेंस याद रहना चाहिए। सॉर्ट करते वक्त पहले सॉर्टिंग होगी ए टू जी और फिर जेड से इधर वापस रिवर्स हो जाएगी, इसके अंदर सॉर्टिंग नहीं है, इसके अंदर जिस ऑर्डर में बैठे हैं बस रिवर्स शुरू कर देगा। ठीक है, वन टू यू चल रहे हैं वो वापस यू चलाना शुरू कर रहे हैं, कोई सॉर्टिंग नहीं करेगा बीच में, तकलीफ नहीं है। इसके अंदर, इसके अंदर रिवर्स हो जाए, सॉर्टिंग नहीं है ना, करके देखो। अगर इसके अंदर हेटेरोजीनियस हो, मल्टीपल डेटा टाइप्स हो, तो रिवर्स में तो कोई इशू नहीं आना। वही 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 बात करी, अगर मल्टीपल साथ आ जाए तो वहां तो एरर दे रहा था, यहां पर क्या हो? क्या करना है? एंटर मार, एंड किधर है? यहाँ पे एंड नहीं आना, रिवर्स करने एक इंटीजर डाल दो बीच में, नीचे चला गया। क्या सोच रहे हो? बीच में इसके इंटीजर डाल दो। ओके, और एक बार बीच में डाल दो फिर। क्लियर है? अच्छा जी, सॉर्ट है, पॉप है, आगे चले, ये सब कर लिया। यूजिंग लिस्ट एज स्टैक्स, स्टैक कर लिया आपने, पॉप भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, आगे चले। ठीक है, यूजिंग लिस्ट एज क्यूज, क्यू भी हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर होती है, कैसी होती है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू के लिए जो है वो आपको एक लाइब्रेरी से क्लास लेनी पड़ेगी डी क्यू की, डी क्यू क्लास यूज करेंगे हम क्यू बनाने के लिए। लिस्ट जो है वो भी क्लास है, हम लिस्ट क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका इंस्टेंस होता है, वो बन जाती है, स्ट्रिंग क्लास होती है, ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग जो है वो बन जाता है। लेकिन क्यू बना, डी क्यू क्यू बनाने के लिए आपने क्यू जो है वो इम्पोर्ट करना पड़ेगा अपने कोड के अंदर। ये बात समझ में क्लियर है? ये बाय डिफॉल्ट वहां मौजूद नहीं है, आप इसको क्या करेंगे? एक्सेस करेंगे कलेक्शंस के थ्रू। जब हम ये देखेंगे आगे फ्रॉम और के कीवर्ड जो है, अभी सिर्फ इतना समझ लेंगे कोड के लिए। तो क्यू, अब एक डी क्यू बनाने के लिए यहां पर क्या लिखना पड़ रहा है मुझे? डी क्यू लिखना पड़ रहा है, जबकि लिस्ट बनाते हुए लिस्ट लिखने की जरूरत नहीं होती, लिख भी देंगे तो उसमें एरर नहीं होता था, वो बाय डिफॉल्ट जो है वो लिस्ट ले लेता था। लेकिन यहाँ डी क्यू क्रिएट करने के लिए DQ का वर्ड जो है वो यूज करना पड़ेगा। तो हमने एक क्यू बनाई DQ के थ्रू, ऑब्जेक्ट इसमें पास किया हमने, एरिक जॉन और माइकल तीन लोग हैं, फिर हमने इसको अपेंड किया, टेरी और ग्रैम दोनों अराइव हो गए। देन क्यू डॉट पॉप लेफ्ट, तो पॉप लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट से क्या होगा? पहला मेंबर DQ हो जाएगा। ठीक है, क्या पॉप लेफ्ट के अलावा पॉप राइट भी होगा? ये खुद एक्सप्लोर करेंगे आप। फिर दोबारा आप पॉप लेफ्ट किया तो एरिक निकल गया, फिर दोबारा पॉप लेफ्ट किया तो जॉन निकल गया। ये एरिक और जॉन क्यों निकल रहे? क्योंकि सबसे पहले आगे लाइन में लगे हुए थे ना, यहां तो हमें ऐसे लग रहा है कि ये आगे लगा हुआ है या सबसे आखिर में ये आगे बोला है, आगे फर्स्ट इंसर्शन में क्यू में जो पहले इंसर्ट हुआ वो सबसे आगे खड़ा हुआ है। अब ये एक्सप्लोर करना पड़ेगा, देखिएगा।
क्यू के कितने फंक्शन आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट। क्यू डॉट करके आप जब चेक करेंगे इंटेलिजेंस आपको बताएगा कितने इसके फंक्शन है, उसको मल्टी डिफरेंट अंदाज में अप्लाई करके आप देखेंगे। इन क्यू इसमें डी क्यू है, इंसर्ट तो अपेंड के थ्रू भी कर रहे हैं, इंडेक्स के थ्रू भी कर सकते हैं। अच्छा जी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सारी चीजें हैं। ये सामने चार लाइनों का कोड लिखा हुआ है, पहले इसको नजर डालें इसमें क्या हो रहा है, क्या आउटपुट आ रहा है दिखा दे भी कोड। ये डबल स्क्वायर क्यों है, डबल स्क्वायर के स्क्वायर कर देंगे ना, सो मल्टीप्लाई कर देगा, मतलब पहले पर 0 उठाया, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 से 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, तो 16 स्क्वायर करने का है। हां 1 0 से का 9 उठाएगा जो ब्रेन में 10 दिया है। समझ में आ गई क्या हो रहा है, 0 से लेके 9 तक नंबर जनरेट किए रेंज में और 1 बाय 1 एक नंबर डाला x में और एक एम्प्टी लिस्ट हमने क्रिएट की हुई है उसको अपेंड करा रहे हैं और अपेंड कराते वक्त खाली वैल्यू नहीं दे रहे, वहां पूरी एक्सप्रेशन लगाई हुई है जो कैलकुलेशन कर रही है और वो कैलकुलेशन क्या हो रही है, डबल एस्टिक लगा हुआ है, दिस डबल एस्टिक इज यूज फॉर पावर, ठीक है, तो एक्स की पावर 2 हो गई यानी जो भी नंबर आएगा उसका क्या निकालना है स्क्वायर निकालना है, तो पहले 0 आया 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4, 3, 9, 4, 16 और इस तरह जो है वो एक लिस्ट जो है वो बन गई ऐसे नंबर्स की जो कि 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स का स्क्वायर है। तो काम है दोबारा आप डाल रहे हैं अपेंड करा रहे ऑब्जेक्ट तो है ऑब्जेक्ट से डिलीट नहीं उसकी सिर्फ लिस्ट की वैल्यू। अच्छा भाई ये समझ में आ गया, अब पाइथन में आसानी क्या है कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है लेकिन स्टेप्स आपका कोड जो है वो रिड्यूस हो जाता है, आप बहुत सारा काम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में एक लाइन में कर सकते हैं जिसके लिए आपको अगर कोड आप किसी और तरह से लिखें या नॉर्मल तरीके से लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के बगैर लिखें तो वो कोड आपका 6-7 लाइनों में चला जाता है। पाइथन के अंदर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से काम कोड आपका क्या हो जाएगा बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा, ये स्क्वायर्स की एक लिस्ट बनी हुई है उसी के अंदर हमने क्या किया हुआ है फॉर लूप लगाया हुआ है रेंज लगाया हुआ है और कुछ हो रहा है यहां पर, इसको जरा रन करेंगे रन तो सिमिलर आउटपुट है। अब हो क्या रहा है इसके अंदर, एक ही लाइन में हमने लिस्ट भी क्रिएट की है जिसका नाम स्क्वायर है
उस लिस्ट के मेंबर क्या होंगे ये भी उसी में डिफाइन कर दिया है। उन मेंबर्स के ऊपर चेक भी लगा हुआ, एक्सप्रेशन भी लगी, वो भी उसी लिस्ट के अंदर। वो मेंबर जब उस एक्सप्रेशन से पास होगा या वो मैथमेटिकल लॉजिक उसके ऊपर अप्लाई होगी तो वो मेंबर खुद ब खुद लिस्ट में अपेंड होगा, ये भी इसी में हुआ हुआ है। अब हो गया रहा है, तीन पार्ट्स हैं इसके। पहला पार्ट है फॉर लूप का, कि आपने रेंज से उसी तरह 10 नंबर जनरेट कराए और वो नंबर एक्स में आया, उसका क्या बन गया, स्क्वायर निकाला गया। और ये नंबर ऑलरेडी किसके अंदर खड़ा हुआ है, स्क्वायर की लिस्ट में। नंबर जनरेट होगा, स्क्वायर होगा, वही लिस्ट में बैठता गया। जनरेट हुआ स्क्वायर, वही बैठता गया। जनरेट हुआ स्क्वायर, वही बैठता गया। ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, वहीं पर नंबर्स क्रिएट हो रहे हैं, स्क्वायर हो रहा है और लिस्ट वहीं पर जनरेट होती चली जा रही। इसके आगे तीसरा फेज हो सकता है एक्सप्रेशन का। एक लूप के अलावा दो लूप हो सकते हैं, तीन लूप हो सकते हैं, दो तीन एक्सप्रेशन कैलकुलेट हो सकती है और उसके बाद जो आउटपुट निकलेगा वो उसकी लिस्ट का मेंबर खुद ही बन जाएगा। तो आपका जो लेंथी कोड है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर एक लाइन के अंदर आ रहा है, आ रही। तो ये समझ में आ गया। अब ये आ रहे हैं मल्टीपल लूप। देखिए ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है, पहले आप नीचे आ जाइए। ये है जो नॉर्मल काम हुआ है, ठीक है, कि एक फॉर लूप है, दो लिस्ट हमारे पास है, 1 2 3 3 1 4, नेस्टेड फॉर लूप यूज हुआ है, एक कंडीशन टेस्ट हो रही है, फिर अपेंड हो रहा है। अब सबसे पहले और इसको मजीद डिस्कस करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा ये अपेंड क्या हो रहा है। अभी तक जो हमने अपेंड किया है कोड में, अभी तक हम जो अपेंड करते रहे हैं लिस्ट के अंदर वो एक सिंगल मेंबर भेजते रहे हैं, ऐसे ही या वो स्ट्रिंग वैल्यू होती थी या वो न्यूमेरिक वैल्यू होती थी। हम लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग या न्यूमेरिक या फ्लोट के अलावा लिस्ट के मेंबर खुद लिस्ट भी हो सकती है। क्या कह रहा हूं मैं, अ लिस्ट विद इन अ मल्टीपल लिस्ट विद इन अ लिस्ट। करें जरा जो बात कह रहा हूं, ये लिखा हुआ यहां पर ये जो काम हुआ हुआ है, इधर देखिए भाई, ये एक लिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर लिस्ट का पहला नंबर खुद एक अनदर लिस्ट है, दूसरा मेंबर खुद एक अनदर लिस्ट है, तीसरा मेंबर क्या है, अनदर लिस्ट। तो लिस्ट के अंदर क्या हो सकती है, मजीद लिस्ट भी हो सकती है। अच्छा, एक और हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर है वो कहलाता है टपल। टपल लिस्ट की तरह ही काम करता है। देयर इज अ माइनर डिफरेंस कि टपल इम्यूटेबल होते हैं। म्यूटेबल वो होते हैं जिनकी वैल्यूज क्या हो सकती है, रिप्लेस हो सकती है। इंडेक्स जीरो पे ए पड़ा हुआ है, आपने इंडेक्स जीरो पे बी असाइन करा दिया, वैल्यू चेंज हो गई। टपल एक बार डिफाइन हो जाए तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। क्या कह रहा हूं, टपल एक बार डिफाइन हो जाए तो उसकी वैल्यू दोबारा चेंज नहीं हो सकती। टपल की पहचान क्या है, टपल की पहचान है दो स्मॉल ब्रेसेस। अगर स्क्वायर में है तो क्या है, लिस्ट, स्मॉल ब्रैकेट्स हैं तो क्या है, टपल। तो अब ये मेरे पास एक लिस्ट बनी हुई है, यहां पर एक लिस्ट थी जिसके मेंबर कौन है, लिस्ट। यहां पर एक लिस्ट है वाई जिसके मेंबर कौन है, टपल। एक टपल है जिसके दो मेंबर है, तीन हो सकते हैं, चार पांच आठ दस हो सकते हैं, मल्टीपल डेटा टाइप भी हो सकती है एक टपल के अंदर। बात समझ में आ गई, तो लिस्ट के अंदर लिस्ट भी आ सकती है, लिस्ट के अंदर टपल आ सकते हैं। एक और स्ट्रक्चर है हमारे पास डिक्शनरी कहलाता है, जिसके दो मेंबर होते हैं की और वैल्यू। तो अब ये लिस्ट बनी हुई है, इसके अंदर एक डिक्शनरी आई हुई है जिसकी की क्या है, नेम। नेम लिखूंगा तो क्या रिटर्न करेगा, जॉन। नेम लिखूंगा तो क्या रिटर्न करेगा, एडा। तो ये कहलाती है डिक्शनरी, अभी आएगा आगे हम पढ़ेंगे। तो लिस्ट के अंदर कौन मौजूद है,
डिक्शनरी मौजूद है। डिक्शनरी के अंदर लिस्ट हो सकती है, नेम के आगे 50 नेम आ सकते हैं, तो वो एक लिस्ट होगी। तो लिस्ट के अंदर डिक्शनरी, डिक्शनरी के अंदर लिस्ट, जितना भी जैसन का डाटा आता है ऑनलाइन वो सारा डिक्शनरी फॉर्मेट में होता है, तो इसको बहुत डिटेल में कवर करेंगे। एक्सेस वैसे ही हो रहा है, इंडेक्स दे दें आप, जब मैंने जीरो इंडेक्स पास किया क्या है इसको जरा सबसे पहले लिस्ट प्रिंट हुई तो उसका जीरो इंडेक्स वैल्यू किया तो अंदर लिस्ट आ गई 1 2 3। फिर उसके बाद वाई प्रिंट हुआ, टपल पूरे प्रिंट हो गए लिस्ट के अंदर, और जीरो इंडेक्स पास किया तो उसका एक पर्टिकुलर जीरो इंडेक्स पे टपल आ गया, लिस्ट प्रिंट हो गई, लिस्ट का जीरो इंडेक्स वैल्यू किया, यहाँ पर एक डिक्शनरी लिखी थी वो डिक्शनरी आ गई। एक्सेस जो है वो बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे हम नॉर्मल डिक्शनरी भी करते हैं। अच्छा जी, अब आ जाए ओपन करें कॉम्बिनेशन वाला कोड कौन सा डॉक्यूमेंटेशन होगा। तो यहाँ पर ये सारी बात इसलिए की है, ये सारी बात इसलिए की है कि हम लिस्ट के अंदर क्या भेज रहे हैं, टपल भेज रहे हैं, ये सिर्फ बताने के लिए वो सारा आपको भी बता दिया मैंने। तो अब ये नेस्टेड लूप लगा हुआ है, एक की कंडीशन टेस्ट हो रही है और यहाँ पर एक टपल जनरेट करके हम क्या कर रहे हैं उसको अपनी एम्प्टी लिस्ट के अंदर अपेंड करा रहे हैं। ये सबको नजर आ रहा है, अब वर्किंग कैसे हो रही है, पहली बार लूप चलेगा वन, अब वन होल्ड करके दूसरी लूप के अंदर ही रहते हुए पहले क्या उठाएगा थ्री, चेक किया कि वन इज इक्वल टू थ्री अगर नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है तब तो अपेंड कर दो, हो जाएगा दोनों का टपल बनाएगा वन और थ्री का, और कहां भेज दिया, यहां भेज दिया वन थ्री में, अभी नीचे वाले लूप में रहेगा। अब आया वन, यहां पर भी वन मौजूद है अभी, और वाई में चेंज हो गया वन, वन इक्वल नॉट इक्वल टू वन फॉल्स हो गया, तो ये टपल नहीं बनेगा, ये वैल्यू वन वन की यहां पर नहीं आ रही। फिर वन के साथ फोर बन जाएगा, अब ये लूप खत्म हुआ, ब्रेक हो गया, वापस इसके आया नई वैल्यू आई टू, टू के साथ थ्री बन गया, फिर टू के साथ वन बन गया, टू के साथ फोर बन गया, फिर नई वैल्यू आई थ्री, थ्री के साथ थ्री नहीं बना, थ्री वन थ्री फोर ये बन गया। ठीक है, ये काम आपका हो गया, नॉर्मली आपने क्या कर ली लूपिंग कर ली। अब हमने इसको कहां ले जाना है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर ले जाना, यही सारी कंडीशंस रहेंगी टेस्टिफाई होंगी, लेकिन ये ऊपर आपको नजर आ रही लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। तीन ब्लॉक्स पहले गए होते, एक हु विल बी द मेंबर, पहला पोर्शन क्या है हु विल बी द मेंबर, दूसरा लूप्स हाउ मेनी लूप्स व्हाट एवर योर लॉजिक इज, एंड तीसरी है कंडीशन टेस्टिंग, कोई अगर कंडीशन वहां लगी है, एक्सप्रेशन लगी है, कैलकुलेशन लगी है, स्क्वायरिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ इसके अंदर, यहां से कहानी शुरू हुई, मेंबर तो आखिर में बनेगा ना, जब सब प्रोसेस से गुजरेगा टेस्टिफाई होगा उसके बाद मेंबर बनेगा। तो पहली दफा क्या हुआ फॉर एक्स, यहां से उठाया वन, वन उठाने के बाद अगले लूप में चला गया, नेस्टेड है ये, अब सबके साथ टेस्ट किया, अगर इक्वल नहीं है, नहीं है तो कहां भेज दो भाई, मेंबर बना दो दोनों को एक्स और वाई। तो ये पूरा काम जो है उसी तरह करता है, सेम रिजल्ट। कितना तो बेस्ट प्रैक्टिस पाइथन के अंदर जो है ना बड़ा कोड उसको कहते हैं ना, बड़ा खूबसूरत कोड लिखा हुआ है। अगर वो कई दफा ऐसा भी हुआ है कि लोग आप इंटरव्यू देने के लिए गए तो आपको टास्क दिया उन्होंने कोड लिख दिया, तो मैंने भी क्या करना, एक और 10 लाइन तीन दी आप दो दी दो लाइन स्ट्रिंग दिया कॉमा को जनरेट कर रहा है, कॉमा भी गिन जाता है, मतलब कॉमा भी लिखा हुआ रहता है, कॉमा थ्री कॉमा फोर फिर वन थ्री फिर वन फोर। मैंने क्या कर दिया होंगे बैठ के, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से पहले यहाँ नहीं नहीं कुछ भी जरूरत नहीं है,
वो तो हम ऑलरेडी कहां खड़े हुए, एक लिस्ट के अंदर खड़े हुए। आप इधर कह रहे हैं, हाँ इधर कर सकते हैं, कोई भी नाम रख ले। देखें वहां अपेंड हो ही नहीं रहा ना, अपेंड में तो हम बाहर से भेजते हैं, जाओ तुम लिस्ट में बैठ जाओ। यहां तो हम कहां खड़े हुए, ऑलरेडी लिस्ट के अंदर खड़े। अब मसला ये कि उस लिस्ट के अंदर बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है, उसमें से आप उसको टेस्ट कर रहे हैं अभी। ठीक है ठीक है, तुम बैठ जाओ आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, जो नहीं है उसको अपेंड तो कर ही नहीं रहे। ऑलरेडी समझ लो सारा सब कुछ क्या है लिस्ट के अंदर काम हो रहा है। नो असाइनमेंट नहीं है अभी पढ़ने के लिए यहाँ पे। हो गया अभी क्लियर है? फर्स्ट लूप की जो बॉडी है वो तो ये पूरी है यहाँ से यहाँ तक, फिर इसकी बॉडी यहाँ तक, इसीलिए मैंने ये वाला कोड भी सामने रखवाया कि फर्स्ट लूप की बॉडी में ये है तो ये इसकी बॉडी में, तो ऑलरेडी इसकी बॉडी में आ गया। ठीक है, यहाँ ये कुछ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का काम हुआ है। देखें क्या कह रहे हैं, वेक्टर है माइनस एक वैल्यू बनी हुई है, क्या कहा जा रहा है, क्रिएट अ न्यू लिस्ट विद वैल्यूज डबल्ड। एक नई लिस्ट बनानी है जो कि इन वेक्टर की वैल्यूज का डबल हो। आपने क्या किया, सिंपली फॉर एक्स इन वेक्टर जो वैल्यू आएगी उसको टू से मिल जाएगा, सिंपली काम हो गया। आ रहा है समझ में? अब वो मल्टीपल लाइन ऑफ कोड से आप क्या कर रहे हैं, बच रहे हैं, फिल्टर द लिस्ट टू एक्सक्लूड नेगेटिव नंबर्स। अगर नंबर नेगेटिव है तो उसको लिस्ट का पार्ट नहीं बनाऊ। क्या किया, वेक्टर से वैल्यू उठाई x, अगर वो x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तब तो उसे मेंबर बना दो, वरना तो ऑटोमेटिकली बने कंडीशन फेल हो जाएगी। जो यहां से पास होगा वही आएगा मेंबर बनने यहां। ठीक है, फिर यहां पर अप्लाई फंक्शन टू ऑल द एलिमेंट्स, एब्सोल्यूट कर दिया उनको, नेगेटिविटी उनकी क्या कर दी जाए, खत्म कर दी जाए। तो अब क्या हुआ, एक वैल्यू जनरेट की, जिस तरह हमने यहां पर क्या किया है कि हमने कहा पॉजिटिव वैल्यूज ले लो, अब पॉजिटिव वैल्यूज को आ गई वैल्यूज। यहां आने के बाद भी हम इस पर मजीद काम कर रहे हैं, जिस तरह हमने वहां स्क्वायर निकाला है, यहां पर इसको किसी फंक्शन को पास करते हैं आपकी, उस फंक्शन में जाएगा, रिजल्ट कैलकुलेट हो गया, वो आके रिजल्ट यहाँ पर आके बैठेगा। ये बात समझ आ रही है, यहाँ पर जो वैल्यू आई है यहाँ पर किसी फंक्शन का नाम दे दे जो कहीं और पड़ा हुआ है। अब ये वैल्यू ये यहाँ से वो फंक्शन कॉल होगा, वहां पर जाके मजीद कैलकुलेशन होगी, वो फिर वहां से रिजल्ट जो रिटर्न होगा वो यहाँ पर आके लिस्ट का नंबर मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या किया हुआ, साथ कह रहे हैं भी नंबर भी लो और नंबर का स्क्वायर भी लो, टबल की सूरत में शो करा दो। ठीक है, अब यहां समझा रहे हैं कि अगर टबल के ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे तो एरर जनरेट हो जाएगा। अच्छा जी, ये डॉक्यूमेंटेशन पाइथन की है, पाइथन लिस्ट डॉक्यूमेंटेशन लिखकर करेंगे तो लिंक आपके पास आ जाएगा docs.python.org।
ट्यूटोरियल डेटा स्ट्रक्चर लिस्ट, वहां पर ये सारा मिल जाएगा, आप इसको रन कर सकते हैं। चलिए आगे टपल के बारे में भी थोड़ा सा हमने पढ़ा है, आइडिया लिया है, व्हाट इज टपल, क्या होता है, जस्ट लाइक अ लिस्ट बट इम्यूटेबल है, ठीक है। और जिस तरह हम यहां देख रहे हैं दो इंटीजर वैल्यूज एक स्ट्रिंग वैल्यू पी जीरो एक्सिस की, आगे चलें पूरा टपल प्रिंट करें तो ब्रैकेट्स में प्रिंट होगा। टपल नेस्टेड भी हो सकते हैं, टपल के अंदर भी टपल हो सकता है, जिस तरह की लिस्ट की बात कर रहे थे ना, लिस्ट के अंदर लिस्ट, लिस्ट के अंदर टपल, लिस्ट के अंदर डिक्शनरी, लिस्ट के अंदर डिक्शनरी, डिक्शनरी के अंदर लिस्ट, अंदर अंदर जो है इस तरह टपल के अंदर भी क्या हो सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ टपल्स। ये एक टपल टी था ऊपर, इसके साथ मैंने एक और टपल कॉमा करके लगा दिया और उसे किस में डाल दिया। अब जब यू प्रिंट करेंगे तो देखें यहां पर एक टपल ये वाला आ रहा है टी और एक टपल ये वाला उसका मेंबर है, समझ में आ रहा है। तो पहले दो वैल्यूज होती थी सिंगल टपल के अंदर या तीन वैल्यूज, अब उन तीन वैल्यूज की जगह मजीद क्या है, तीन टपल है, ये क्लियर है। टपल डिफाइन करते वक्त अगर आप एक सिंगल वेरिएबल को मल्टीपल वैल्यूज देंगे तो बाय डिफॉल्ट उसको टपल कर लेगा, क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज, ये बात दोबारा सुन ले क्या कह रहा हूं, हम एक वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है, सिंगल वैल्यू, तो वो सिंगल वैल्यू, अगर मैं दो वैल्यूज एक साथ एक वेरिएबल को असाइन करूंगा तो वो एज अ टपल ही लेगा उसको, करें इसको जरा, जैसे इन्होंने यहां सवाल पूछा था खोलना कि यहां टपल बनाते वक्त हमने ब्रैकेट नहीं दिए, ठीक है, लेकिन क्योंकि एक से ज्यादा वैल्यूज दे रहे हैं तो वो बाय डिफॉल्ट क्या है उसके लिए टपल है, जब उसको प्रिंट करवाया हमने तो उसने क्या कर दिए ब्रैकेट्स लगा दिए, टपल उसको अंडरस्टैंड कर लिया। रन कर दो, ठीक है, तो वो टपल की सूरत में आ गई, दोबारा जाओ। अच्छा जी, तो टपल के अंदर टपल हो सकते हैं क्या, टपल के अंदर लिस्ट हो सकती है, सोच लें, क्योंकि लिस्ट इम्यूटेबल है, टपल म्यूटेबल, लिस्ट म्यूटेबल है, टपल इम्यूटेबल है, करके देखें क्या होता है। ओके, एक टपल बनाए उसके मेंबर्स जो है वो लिस्ट रख दें, इसको लिस्ट बना दें, लिस्ट 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 नहीं, पहले एक टपल बनेगा, ठीक है, अब इस टपल के अंदर दो लिस्ट डाल दें, इसको आप लिस्ट पे करें, इसको ब्रैकेट लगा दो बाहर, हाँ अंदर अंदर यार, टपल के अंदर लिस्ट होगी ना, नहीं नहीं एक एक यहाँ पे, ठीक है, कॉमा डाल के, कॉमा डाल, अब एक टपल रख दे, चेक करें कोई एरर तो नहीं है, ठीक है, टपल के अंदर क्या है, लिस्ट जो है वो आ सकती है। जब हम टपल को एक्सेस करेंगे तो वो एक्सेस होके किसी वेरिएबल में आएगी, ठीक है, और जब वो वेरिएबल में आ जाएगी तो वो x इज इक्वल टू दिस लिस्ट, अब ये क्या होगा, ये म्यूटेबल होगा, ठीक है। जैसे अब मैं अगर t जीरो एक्सेस करूं ठीक है,
और टी जीरो पर अब मैं कोई काम करूं तो क्या करना है सर? T0 इक्वल टू T1 नहीं वो तो फिर डबल अमेंडमेंट हो जाएगी इंसर्ट कर पाते हैं ना T0 नहीं अगर हम T0 हमारे पास क्या है ये जब मैं T0 बोल रहा हूँ तो इसको बोल रहा हूँ ये एज अ पार्ट है अभी ठीक है अभी ये डबल का पार्ट है अगर मैं T0 की जगह कुछ डालूंगा तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस पार्ट को निकाल के कुछ और डालना चाह रहा हूँ जो पॉसिबल नहीं है लिस्ट जो है वो टपल के अंदर है और टपल अपेंड नहीं होता टी जीरो जो है दोबारा सुन लीजिए जब मैं टी जीरो कह रहा हूँ तो वो टपल का कौन सा मेंबर ला रही है अभी भूल जाना क्या जीरो मेंबर अब मैं कह रहा हूँ टी जीरो पे कुछ और डाल दू डालने देगा वो अपने मेंबर को रिप्लेस करने देगा इतनी सी बात है अब हम ये कह सकते हैं कि टी जीरो को एक्सेस करें वो खुद एक नंबर ऑफ वैल्यूज है फिर उसके ऊपर जाके क्या करें काम करें कुछ इसके लिए लूप लगाना पड़ेगा मेरे ख्याल से टपल को लूप के थ्रू एक्सेस करेंगे और लूप में से वैल्यू लिस्ट उठ के आएगी और फिर उस लिस्ट को अपेंड करा सकते हैं अच्छा ले लो उनकी बात सुन लो टी जीरो वन आएगा वन 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 नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सर यहाँ पर टी जीरो लिखा है ना यहाँ पर टी जीरो डॉट आगे 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 बाहर दिखाई ये अब हम टू डायमेंशन में चले गए लेकिन देखिए ये वर्क करता है नहीं करता अब यहाँ वैल्यू दे देते अब चेक करें टपल को चेक करें दोबारा ठीक है ये कह रहा है अच्छा से रिमूव कर दिया लेकिन चेंज हो गया मसला ये है कि जब हमने टपल के लेवल को उसे चेंज नहीं किया हम टपल के लेवल से अंदर गए लिस्ट मतलब उसमें एलिमेंट्स टपल के तो सेम ही रहेंगे मगर वो एलिमेंट्स फर्दर चेंज वो एलिमेंट फर्दर चेंज हो ठीक है ये हम टू डायमेंशनल में इस तरह एक्सेस करते हैं इसको ठीक है भाई गुड है भाई वेल डन अच्छा जी चले आगे टपल के अंदर जब एक सिंगल वैल्यू सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज डालते हैं वो एज अ टपल ट्रीट होता है इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं पैकिंग पैकिंग क्या कहते हैं पैकिंग तो जब हमने मल्टीपल वैल्यूज एक वेरिएबल के अंदर असाइन की है पैकिंग की है तो इसका रिवर्स प्रोसेस भी होता है अनपैकिंग कि टपल की जो मल्टीपल वैल्यूज है वो डिफरेंट वेरिएबल्स में क्या कर ली जाए गेट कर ली जाए करें इसको मोड में आए फॉर एग्जाम्पल इसको नीचे कर लेंगे लिखे रहते हैं सर काम आ जाए वही वही रिपीट करता एक टपल ले ले ए ले ले ए इज इक्वल टू टपल इसके अंदर मल्टीपल वैल्यू ठीक है ठीक है ये आपके पास ये हो गया ये जो काम हुआ है ये भी हुआ है पैकिंग का क्या काम हुआ ये पैकिंग कि आपने सारी वैल्यूज को क्या कर दिया है
पैक कर दिया है एक टपल में। अब अभी जब मैं वैल्यू एक्सेस करूंगा तो मुझे टपल का ही रेफरेंस यूज करना पड़ेगा, ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री टपल का इंडेक्स लेना पड़ेगा विद रेफरेंस टू द नेम ऑफ द टपल। लेकिन अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये टपल की चार वैल्यूज हैं, चार वेरिएबल्स ले लें हमारे एक्स वाई जी डब्ल्यू कुछ भी ले लें डब्ल्यू एक्स वाई जी डब्ल्यू एक्स वाई इक्वल टू ए ए। अब क्या किया हमने, टपल के अंदर जितनी वैल्यूज हैं वो सारी कंसेक्यूटिवली इन इन वेरिएबल में असाइन हो जाएंगी। W प्रिंट करें भाई, W क्या आ गया, टू थ्री फाइव सिक्स, इसको कहते हैं अनपैकिंग। ठीक है, अनपैक हो गया। अब हमें टपल के रेफरेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर कुछ मसले हैं। अगर यहां में एक वेरिएबल ज्यादा दे दूं तो उसमें क्या आएगा, नल आएगी। चेक करें, इंसर्ट क्या आ रहा है, एरर देखें, there are not enough values to unpack, expected 5 got 4, 5 expected thi aapne 5 variable liye hain lekin usko kitni mili hain values, 4 values mili hain, agar ek kam kar de to b of z dollar kare टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक, तीन एक्सपेक्टेड थी लेकिन वहां से कितनी आ रही है, चार आ रही, तो दोनों सूरतों में जो है वो एरर है। तीन को आ रही है, जितनी वैल्यूज होंगी आप उतने वेरिएबल जो है वो उसको, चार है लेकिन हम तीन ले रहे हैं। ठीक है, चलिए ये यहाँ पर अनपैकिंग सिखा रहे हैं, T से वैल्यू उठाए एक्स वाई जी में, आगे चले। उसके बाद है सेट, सेट सेट और लिस्ट में क्या फर्क होता है, सेट और लिस्ट में क्या फर्क होता है, सेट के अंदर यूनिक वैल्यूज होती है, रिपीटेशन नहीं होती, जो मेंबर सेट का एक बार है वो एक बार ही रहेगा, दोबारा नहीं हो सकता, जबकि लिस्ट में क्या हो रही है, रिपीटेड वैल्यूज हो रही है। तो सेट आप बना सकते हैं, सेट के ऊपर परफॉर्म भी कर सकते हैं, यहां से आप सेट के बारे में डिटेल पढ़िएगा। ठीक है, कोई मेंबर इन का कीवर्ड यूज करते हैं और पता है कोई मेंबर है सेट में या नहीं है, चेक करने के लिए सेट सेट फिल्टर फॉर्म सबने पढ़ी हुई है, पढ़ते से देखें तो एक्चुअली आप उसके अंदर क्या लिख रहे हैं, पूरी बिल्डर फॉर्म लिख रहे हैं, तो ये इस तरह उस तरह तब इसका मेंबर बनेगा सेट का, याद आया कुछ, सेट जब आप सेट बिल्डर फॉर्म डिफाइन करते हैं तो वहां पर लिखते हैं एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाय टू, तो इवन नंबर्स की आपका सेट बनेगा, वही काम आपने किसमें किया, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में, तो सेट में भी अगर आप कॉम्प्रिहेंशन करेंगे तो पूरी सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो आप लिख सकते हैं, वहां पर सेट डिफाइन कर सकते हैं इसी विजिट पर।
और ये डेटा अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं, कहीं से डेटा आ रहा है स्ट्रीम में किस तरह का, तो उसके ऊपर कोई फॉर्म लगाकर आप जो है पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेट जो है वो बना सकते हैं। देखेंगे वो जब डेटा के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, सेट माइनस भी हो रहे हैं, यूनियन भी निकल रहा है, इंटरसेक्शन भी निकल रहा है, सारे लॉ भी लग जाएंगे। जो कुछ करना चाहें वो सारा काम जो है वो सेट पर जो आप करते थे वो यहाँ पर किया जा सकता है। इसको खुद स्टडी करना है, प्रैक्टिस करनी है। ये देखिए यहाँ पर 4x इन ABCD दिस, इफ x इज नॉट इन ABC दिस, तब इसके मेंबर बना दो। ठीक, लेकिन यहाँ पर जब सेट डिफाइन करोगे तो वर्ड सेट यूज करते हैं। अच्छा जी, बस अभी तो टाइम है यार, चले बुक में लेते हैं क्या दिया हुआ इसके बारे में, आगे नहीं जा रहे, डिस्कशन नेक्स्ट टॉपिक हम बाद में करेंगे। टपल्स आगे चले, आहिस्ता आहिस्ता चले, नजर आता रहे, वही काम हुआ हुआ है, टपल बना हुआ है, स्टेट्स एक्सेस करने का तरीका, इंडेक्स, फिर यह इसको स्ट्रिंग के अंदर यूज कर लिया इंडेक्स को, ये बोले एक्सरसाइज इसी करवाते हैं यार, ये मैं नहीं करूंगा, 120 हो गया, रैंक करके दोबारा देगा। Record this like to make it a tuple. Record this list to make it a tuple. Round bracket. ये एक लिस्ट है, इसको टपल में पास करा दे, बस करे जरा टपल लिखिए, लिस्ट पास कर दे इसके, नहीं वापसी लिखना है कोड, कोड टपल का कोड वापसी कोड लिखा हुआ है, देखिए क्या कह रहे हैं, चलिए देखिए। ठीक है, वैसे अगर किसी टपल को लिस्ट को टपल बनाना हो तो आप लिस्ट टपल लिख के उसमें कास्ट करा दे, उसमें टाइप कास्टिंग हो जाएगी। ठीक है, मुझे लगा टाइप कास्टिंग कह रहा हूं। अच्छा, डिफाइन अ टपल विद टू एलिमेंट्स हाई एंड बाय, द टपल नेम इज गिवन इन हाई एंड बाय सॉल्यूशन। अभी अगला टॉपिक पढ़ाएंगे तो सबकी लिखेगी हाय हाय, बाय हटाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, आसान है भी, आगे जाने दो, देखो कोई अगर कॉम्प्लेक्स आता है उसको करते हैं। रीराइट दिस, यू कैन मेक चेंजेस टू एलिमेंट्स, इसको दोबारा लिख दें ताकि आप चेंजेस कर सके, तो लिस्ट बनाना पड़ेगा इसको। तुम बच्चे ना चीते हैं, कौन बच्चे, बच्चे बैठा हुआ बने में 10 साल हो गया है, कोई ट्यूबल में 3 एलिमेंट्स एट टाइम नंबर्स। ठीक है, आगे चलो भाई, मुश्किल वाला देखो जल्दी जल्दी, 10 के बाद स्टार्ट होते हैं मुश्किल। ये नहीं देखें, ये क्या कह रहे हैं, कॉन्केटिनेट द एलिमेंट्स ऑफ अ टपल एक्स विद द थर्ड एलिमेंट ऑफ टपल वाई, इन द कॉन्केटिनेशन इंक्लूड अ कॉमा एंड स्पेस इन द मिडिल, असाइन द कॉन्केटिनेटेड स्ट्रिंग टू द वेरिएबल, मेक अप द वेरिएबल नेम। दो टपल दिए हुए एक्स और वाई, इन दोनों के थर्ड एलिमेंट ले रहे हैं, उनको कॉन्केटिनेट करना है और नए वेरिएबल में डालना है, दूसरी काम नहीं है, इंडेक्स उठा लेंगे। चले आगे, आसान है, फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम। ठीक है, आगे चलें, आगे चलें, फोर्ड टपल विथ थ्री एलिमेंट्स दैट आर स्ट्रिंग्स,
then in a single line append the last element to a list, make up the names and the string. Chale bhai ye kare ye padhe ho the time three elements and the यहाँ पे नहीं करो अभी करने करने दिलो करने दो जब करने कोडी पर टपल विथ थ्री एलिमेंट ठीक है डेट और स्ट्रिंग ठीक है देन इन अ सिंगल लाइन क्या ये देन सिंगल लाइन क्या सिंगल लाइन के अंदर जो है ना अपेंड करना है जैसे वो बताया हुआ है ना पहले एक लाइन में अपेंड के भी डालनी है पहले तो वो आ जाएगा तो आपका वो है ट्यूपल का नाम आ जाएगा टपल का नाम हाँ टपल का नाम आ जाएगा टपल में अपेंड हो जाता है और उसे लिस्ट का पार्ट बनाना है लिस्ट में अपेंड करना है लिस्ट में करना है एक लाइन में लिखे टपल में हटा वाले एक लाइन शॉर्ट कर टपल बनाया पहले तीन एलिमेंट का सर टपल बनाएंगे तो तीन एलिमेंट का हां टपल बनाएंगे तीन एलिमेंट दो लाइन में होगा ना टपल का वो तो अलग है वो अलग है दूसरा काम टपल बना लिया उसके बाद टपल नहीं नहीं टपल तो ऊपर रहेगा नीचे लिस्ट बनेगी नहीं नई लिस्ट बनेगी लिस्ट डॉट अपेंड होगा डॉट अपेंड और फिर उसके बाद जो है कंडीशन आएगी कि एलिमेंट मतलब कौन सा लाना है ये तो मैंने नहीं किया पहले लिस्ट अच्छा इसका कोड ट्यूपल का जो है लास्ट एलिमेंट जो है वो लिस्ट में लाना है तो पता है ना इंडेक्स टू हो Thank you.
लिस्ट को जो है वो स्ट्रिंग जो है, एक तो लिस्ट के फंक्शन में देखें, डॉक्यूमेंटेशन में ही जाइएगा और स्ट्रिंग के फंक्शन देखिएगा कि स्ट्रिंग के क्या क्या फंक्शन है, किस तरह अप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि वो जो असाइनमेंट है चार पांच वो बड़े मुश्किल है, लेकिन समझना पड़ेगा, थोड़ा सा स्लाइसिंग के साथ खेलना पड़ेगा, आ जाएगा, हो जाएगा काम। तो वो सारे नहीं देंगे, अभी दो तीन दे देंगे, उसके साथ आसान भी दे देंगे थोड़े बहुत, लेकिन उसमें वो एक जो है थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, स्ट्रिंग के सारे फंक्शन एक्सप्लोर करेंगे। अब वो कोई काम कह रहा है कि ये करना है, तो पहले चेक करना पड़ेगा कि अपना लिखूं या स्ट्रिंग में इसका कोई फंक्शन मौजूद है, ठीक है, और वो है फंक्शन बने हुए, ठीक है। तो यहीं तक रखेंगे, और कोई मसला हो तो ग्रुप पे पोस्ट करते रहिएगा।